आज मैं आप लोगों के लिए बिना लहसुन प्याज के भंडारे जैसा टेस्ट वाला आलू और चना की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 4 मीडियम साइज के आलू, जिसको अच्छे तरीके से धो लिया है रगड़ रगड़ के। साथ में सब्जी में डालने के लिए हमने लिया है काला चना भिगोया हुआ 1 मुट्ठी। तो चलिए फिर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक कटोरी लिया है, जिसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाला है हमने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में मैंने डाला 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको क्या करेंगे, पानी डाल के इसको भिगो के छोड़ देंगे, जिससे कि और भी अच्छा ये सब्जी बनेगा। तो आप इसी तरीके से इसको मसाला बना के तैयार कर ले। तो चलिए फिर इधर हम चलते हैं। हमने खड़ा गरम मसाला लिया, जिसमें लौंग है, दालचीनी, जावित्री, छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। साथ में हमने लिया 1 छोटा चम्मच धनिया खड़ा वाला। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और इसको क्या करेंगे, दरदरा कूट लेंगे। जब हल्का दरदरा हो जाएगा तब हम इसमें 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे, और काली मिर्च डाल के भी इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ज़्यादा फाइन नहीं कूटना है, थोड़ा दरदरा ही रहेगा सारा मसाला। तो चलिए फिर हमने सबको दरदरा कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में हमने तेल डाला है सब्जी बनाने के लिए। आप जो भी तेल खाते हो आप डाल सकते हो। तेल गर्म होने के बाद डाल दे इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमने डाल दिया है। जीरा डालने के बाद 1 सूखा लाल मिर्च ऐड कर दे तोड़ के। साथ में आप यहाँ डाल दे 1 तेजपत्ता। तो हमने तेजपत्ता भी डाल दिया है। तेजपत्ता डाल के इसको हल्का चटकने देंगे। अब यहाँ पे हमने जो खड़ा मसाला कूटा है ना, वो हम डाल दे रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से डाल लेना है और इसको मिलाते हुए चला लेना है। यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं जो मसाला, जो हमने पानी में डाल के फूलने के लिए डाला था, वही हम डाल दे रहे हैं। इसको मिलाते हुए भून लेंगे मसाले को अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हो मसाला भून रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे हमने धनिया पत्ती डाल दिया और इसको मिलाते हुए चला लेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं काला चना, जो हमने भिगो के डाला था ना, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। काला चना ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हो। साथ में हमने डाला है आलू कच्चा। तो इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए चला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक बाद में ही डालें, पहले हमने मसालों में नहीं डाला था। तो आप यहाँ देख सकते हो नमक डाल दिया हमने। नमक डाल के अब इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिलाते हुए भून लेंगे। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको जब खाएंगे ना, तो आपको भंडारे वाली आलू की सब्जी की याद आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो अब हमने इसमें डाल दिया है 2 हरी मिर्च लंबा कट करके। साथ में हमने इसमें 2 टमाटर हाफ हाफ कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो 3 टमाटर भी ले सकते हो, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। टमाटर डालने से और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने इस सब्जी में कोई लहसुन प्याज का यूज नहीं किया, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा सब्जी। आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा ये सब्जी। सारी चीज़ें अब अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1.5 गिलास के करीब पानी। तो 1.5 गिलास पानी डाल के कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगने देंगे। तो चलिए फिर अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं मिला के सब्जी को। आप जब एक बार ये सब्जी बना लोगे तो बार बार बनाओगे। बहुत ही आसानी तरीके से ये सब्जी बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही झटपट से ये बन जाता है। तो 4 से 5 सीटी लग चुका है। गैस के फ्लेम को हमने तब तक बंद कर दिया है। अब हम आपको दिखलाते हैं चेक करके कि आलू और चना कैसा पका है। तो चलिए फिर चना आपको पहले चेक करके दिखला देते हैं। तो चना हाथ से हम इस तरीके से दबा के दिखलाते हैं। आप देख सकते हो चना भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। आलू को भी आपको हम दिखला देते हैं कट करके।
तो आप यहाँ देखेंगे कि आलू भी बहुत अच्छे तरीके से कट रहा है और बिल्कुल ये सब्जी बनके रेडी हो चुका है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप चाहे तो पीस में कट कर सकते हो या फिर उसी में कुकर में ही चम्मच की मदद से तोड़ सकते हो। बड़ा वाला चम्मच है ना, या फिर आपके पास कलछी हो उससे भी आप तोड़ सकते हो, ये और भी आसान हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जितना बड़ा पीस चाहिए आप उस अनुसार इसको तोड़ ले आलू को। आलू को तोड़ने के बाद 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से मसाला और आलू सारा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए एक दूसरे में। तो इसमें हमने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच से कम अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। 5 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है। देखिए सब्जी का इस तरीके का ग्रेवी हमने रखा है, बिल्कुल भंडारा वाली सब्जी की आपको याद दिला देगा अगर आप ये सब्जी बनाओगे एक बार तो। इधर गैस पे मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है, तड़का पैन में हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो घी हमने डाल दिया है। गैस के फ्लेम को धीमा रखिए और घी को पिघलने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चुटकी हींग। तो आप यहां देख सकते हो हींग हमने डाल दिया, जिससे कि खुशबू बहुत ही अच्छा आएगा। साथ गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है हमने, उसमें डाल दिया है 2 से 3 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए फिर हम तड़का लगा देते हैं आलू की सब्जी में। तो आप यहाँ देखेंगे कितना प्यारा कलर आया और सब्जी बन के तैयार है खाने के लिए। आप लोगों को अगर बिना लहसुन प्याज वाली आलू चना की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।